कद्दू की कटाई हो रही है, एक मशीन है जिसको हार्वेस्ट भी करती है और उसका भूसा वगैरह भी इकट्ठा कर लेती है, दाने भी इकट्ठे कर लेती है, बाद में जहां उतारना चाहें आप उतार सकते हैं। कमाल की कटाई करती है। बाद अवकात गंदम क्योंकि गिरी हुई होती है बारिश में हवाओं की वजह से, इसमें इस तरह का सिस्टम है कि अगर गिरी हुई गंदम है आपकी, वो भी आपको उसे सीधा करके काटेगी। आप देखें इसकी हार्वेस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है, आजकल ये बहुत मकबूल है। आप देखिए किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की है ऐसे इंसान ने। पीछे जो इसकी मेमोरी है, इसमें ये सारी जो गंदम की कटिंग है, इसे थ्रेशिंग करके इसका भूसा अलग कर देती है, और इसकी कटिंग के बाद इसके ग्रेन दाने गल्ला यानी कि वो अलग कर देती है। कमाल की मशीन है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देखें भूसा भी जमा किया हुआ है। थ्रेशिंग करने के बाद इसका भूसा इकट्ठा हो जाता है, इसके ग्रेन्स इसके दाने भी साथ में अलग इसकी मेमोरी उसमें रख देती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो दाने हैं वो ज़ाया नहीं होते। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि जो भूसा होता है ये भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। आपकी फसल अगर गिरी हुई है तो नो प्रॉब्लम, उसे भी ये बिल्कुल सही से काटेगी। थोड़ा बहुत भूसा उड़ जाता है हवा में जो कि बहुत बारीक होता है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है आपको। आप देखिए, और इसके दूसरा फायदा ये कि बहुत वक्त की बचत होती है, आपका भूसा उड़ेगा नहीं। जैसे मजदूरों से हम कटवाते हैं या खुद काटते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, ताकत लगती है, लेकिन इस पे वो ताकत आपकी फार्म से नहीं होगी। ये आपको दुगना क्या 3 गुना 4 गुना फायदा पहुंचाएगी। आप देखें, हाँ अगर फसल में कोई और एक्टिविटीज हैं, अगर कोई पौधे हैं दरख्त हैं वो आपको काटने होंगे। देखिए कटिंग हार्वेस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है। दाने भी आपको खाले साफ मिलते हैं, कोई पत्थर या कोई मिट्टी उसमें मिक्स नहीं होती। अब देखें यहाँ से फसल जो ना गिरी हुई है, तो ये गिरी हुई फसल को भी बिल्कुल अच्छी तरह से काट लेगी। आप देखिए कितना फायदा पहुँचेगा आपको। इसकी कटिंग आपके लिए बहुत मुफीद है। बड़ी मुफीद कटिंग है, वक्त भी ज़ाया नहीं होता। मेरे ख्याल में चंद मिनटों में आपकी काफ़ी सारी फसल काट जाती है। उसके बाद आप उसका दाना जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं, भूसा जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं, कोई डर नहीं। तो इसके नंबर भी आपको मैं दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोग काफी हैं जो कटवाना चाहते हैं मगर उनको मालूम नहीं है कि इस तरह की मशीनें भी होती हैं। तो ये क्योंकि अपने दोस्त हैं, ये कटिंग करते हैं, इनसे रब्ता भी हमारा होता है, ये बड़ी जबरदस्त कटिंग करते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि भूसा कैसे उतारेगी ये, और इसके दाने किस तरह जमा करके आप उतारेगी, तो उसके उतारने का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा मैं। किस तरह की मशीनें लगाई हुई है साइंसदानों ने।
पास फुर्सत वसत हो, अगर पैसा हो तो बेहतर है कि आप ये ले लें, क्योंकि ये इसमें बड़ा फ़ायदा है। आप कटिंग करें मौसम को, इसमें पैसा भी आप कमा सकते हैं काफ़ी, और इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। लोगों का भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा होगा इस पर। देखें आप, इसने भोसे को कंप्रेस किया हुआ था, इसे बाहर उतार के फिर मजीद काम आगे बढ़ेगा। इसकी पूरी मेमोरी जो है वो खाली की जाती है भोसा उतारने की। देखिए आप, भोसा उतारने का एक प्रोसेस होता है, वो हो रहा है। एक ही वक्त में इतनी मेमोरी उसकी जाना फिल अप जो हुई है, अब खाली हो रही है, क्योंकि इस इलाके में ये नहीं आई है, लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी सारी आवाम यहाँ पे इसको देखने के लिए आई हुई है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप, फायदा है, मतलब फायदा बहुत ज्यादा है।